कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी। नमस्कार, मैं मनु और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। जन्माष्टमी पर खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने लिया अवतार और पापियों का किया संहार। इसी बीच महाभारत की कथा सामने आई, तो चलिए हम चलते हैं श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानियों पर। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतार कर खुद को ही मथुरा का राजा घोषित कर दिया था और राजा उग्रसेन को कारागार में बंद कर दिया था। राजा उग्रसेन की एक बेटी और एक बेटा था, बेटी देवकी और बेटा कंस था। कुछ समय बाद देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया। बड़े ही धूमधाम के साथ देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस की रूह कांप गई, वह घबरा गया। इसके बाद कंस ने अपनी बहन देवकी की हत्या करनी चाहिए, तो वासुदेव ने कंस को समझाया कि आप देवकी की हत्या क्यों करते हैं? आपको देवकी से नहीं, देवकी की आठवीं संतान से भय है। तो जब हमारी आठवीं संतान होगी तो हम उसे आपको सौंप देंगे, आप उसकी हत्या कर देना, पर अभी देवकी को आप कृपया कर छोड़ दें। वासुदेव के ऐसे समझाने पर कंस समझ जाता है, पर वो देवकी सहित वासुदेव को बंधक बनाकर कारागृह में डाल देता है। कंस बारी बारी से देवकी की सातों संतानों को मार चुका था, अब बारी थी आठवें संतान की। आसमान में घने काले बादल छाए थे, जोरों की बारिश हो रही, जोर जोर से बिजली कड़क रही थी, क्योंकि भगवान श्री हरि धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाले थे। रात्रि के ठीक 12 बजे उस कारागृह के सभी ताले अपने आप टूट गए और कारागार के सुरक्षा में लगे सभी प्रहरी अपने आप गहरी नींद में सो गए। उसी समय देवकी और वासुदेव के सामने साक्षात भगवान श्री हरि प्रकट हुए और बोले, हे माते, आपकी आठवीं संतान के रूप में मैं ही आपके गर्भ से अवतरित होने वाला हूं, अतः मुझे कोई मार सकता है ऐसी चिंता आप छोड़ दें। जैसे ही मेरा अवतरण हो आप मुझे गोकुल के नंद बाबा के हाथ छोड़ दें और वहां अभी अभी जन्मी एक बच्ची जिसे आप लाकर कंस को सौंप दें, उसका कुछ अहित हो सकता है, इसकी चिंता भी आप न करें। वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कथनानुसार ही वो सब कुछ किया जो भगवान विष्णु ने वासुदेव से कहा था। वो भगवान कृष्ण को नंद बाबा के हाथ छोड़ आए और उस नवजात बच्ची को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या पर प्रहार किया, कन्या बड़े वेग से आकाश की ओर जाकर अदृश्य हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तुम मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है, तू जाकर भी कभी उसका अहित नहीं कर सकता, क्योंकि वही तेरा काल है। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस बुरी तरह भयभीत हो जाता है। भगवान कृष्ण को मारने की चेष्टा से वो कई बार कई महाबली राक्षसों को गोकुल भेजता है, पर वो जाकर भी कभी भगवान कृष्ण का अहित नहीं कर पाता, उसके सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ही कंस का वध करते हैं तथा सभी को उसके दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आपने देखा भगवान श्री कृष्ण के रूप ने कैसे लीला रचाई। यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। फोर्थ पिलर लाइव की ओर से
आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं।